गुजरात तथा महाराष्ट्र वन विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई में तस्करों के 10 लाख की सागवान तथा शीशम की लकड़ी बरामद की गई है। इस तफ्तीश को गुजरात तथा महाराष्ट्र के 300 से भी अधिक वन कर्मियों ने अंजाम दिया है, वहीं तस्कर फरार होने में कामयाब हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गुजरात वन विभाग के आला अधिकारी को खुफिया सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई थी। गुजरात से सटे नांदुरबार, नावापुर, शहादा एवं व्यारा डांग इलाके से बड़ी संख्या में तस्करों के द्वारा पेड़ों के अवैध कटाई कर सागवान तथा शीशम की लकड़ी की तस्करी की जाती है। वन विभाग ने नावपुर स्थित बारी गांव में गुजरात राज्य के उछल वन अधिकारी के तस्करी की सूचना नावपुर के वन कर्मियों को दी, जिसमें 10 लाख रुपए की प्रतिबंधित लकड़ी जब्त की गई है। वन विभाग के कर्मियों को देखकर तस्कर लकड़ी छोड़कर फरार हो गए।